जिला कुपवारा के गांव सिंगरुन में सिंगड़ी सर के नाम से इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यहां पे एक सर बनाया, जो कि लोगों के कहने के मुताबिक 50 साल कबल बनाया गया है, जिसकी कुल अराजी 24 किनाल की है और यह 102 कनाल अराजी को सिराब करने के लिए बनाया गया था। मगर इस वक्त यहाँ पे लोगों का ये इल्ज़ाम है कि कुछ लोग उसको हड़प कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे खेत खलियान है उनको अच्छे से सैराब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सर सुकड़ने की वजह से सर में कम पानी जमा हो रहा है। 24 से 25 कनाल अराजी है सर की, लेकिन इस वक्त ये अराजी तकरीबन 12 से 13 कनाल है, लेकिन दूसरी जो अराजी है वो जिमीदारों ने हड़प कर ली है। डिमार्केशन होती है, वो अपना निशान डालते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो ज़मीन को लोग हड़प करते हैं तो, लेकिन एक बात है वो उसमें वो छोटी छोटी किल्लियाँ लगाते हैं, वो पाँव से भी टूट जाती हैं, बाद में ज़मींदार आड़ लड़ी दो नीचे उतरेगा, क्योंकि उसमें कोई ठोस ऐसा वो बॉर्डर नहीं बनी है कि जिससे वो ज़मींदार अंदर ना आ सके। जब सर अपनी हालत में था 10 साल या 20 साल पहले, तो सर तो बहुत बड़ा था, तो उस वक्त आप कौन कौन सी फसल यहाँ पे उगाते थे? सर इधर जो आगे है इस मोस्टली तो इसके आगे चावल ही होता है और सब्जी होती है, जब मोस्टली चावल ही होते हैं। अभी क्या होता है अभी इस वक्त? तो कुछ नहीं होता है इस वक्त, खुशक साली है, बस मक्की वक्की डालते वो भी जल जाती है। कि सर पे एंक्रोचमेंट हो रही है। हाँ जी। तो आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है उससे? इससे लेकिन हमारी ज़िंदगी पे इसे बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि यहाँ आपको पता ही है यहाँ लोग जो है वो ज़िम्मेदार लोग हैं, क्योंकि वो ज़िम्मेदारी तभी कर पाएंगे जब इस सर में पानी वगैरह होगा, जब इस सर में पानी नहीं होगा तो आगे क्या ज़िम्मेदारी करेंगे, क्योंकि खुशक साली रहती है, पानी होता नहीं है, आगे जब वो ज़मीन पे जाएंगे क्या करेंगे, बिल्कुल कुछ पानी का इधर अरेंज है ही नहीं, ना पीने का पानी है और ना ज़मीन के लिए पानी है। यह सर एक सहारा था, लेकिन इसको भी ज़िम्मेदारों ने हड़प कर लिया है और गवर्नमेंट इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रही है। मगर जब हमने उन लोगों से बात की जिनका ये बताया जा रहा है उनने ज़मीन को हड़प किया है, उनका ये मानना है कि जिस ज़मीन को हमने अपने तहवील में लिया है वो हमारा अपना मिल्कियती ज़मीन है, वो 2 कनाल 6 मरले की ज़मीन है जो उनके नाम से इस वक्त भी रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। मगर यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट की ये लापरवाही है कि वो यहाँ पे इस ज़मीन को नहीं देख रहे क्या ये स्टेट लैंड है या किसी ज़िम्मेदार की लैंड है। जनाब यह पुन ज़मीन अस गई तकरीबन 8-10 वरी अम खिलाफ दिवान यह दरख्वा दिवान अस दी उपर बंड अस दी उपर बंड यह आबस तल ज़मीन अमो गौर वोर दिवान अत सी पत् कौर मे कब्जे पुन मिल्कियत ज़मीन कौर मे कब्जे मे गलती वलती कर्म अगर अमे गलती कर्म गवर्नमेंट दी से नजर अगर मैं गलती कर्म मे त्रे से हथ अगर मैं गलती कर नुन ज़मीन कर्मत मे आबाद या बंड दुपर कि मे गलत कर्म कह मगर तमें मजीद से गा ज़मीन अत तल तकरीबन 4-5 कनाल मकान तो गा अत तल जनाब अगर अगर गवर्नमेंट वन यह त्रे यल अस दिन से मुआवजे त्रे से नीन से ज़मीन पर अच्छा कहान एतराज कह मगर अस पुन मिल्कियत ज़मीन 2 कनाल 6 मरल यानि कि मे अत कागज पे 2 कनाल 6 मरल यहाँ तल वही तक रोडम ना 10 रुपये तो रटम गवर्नमेंट जनाब अस ना ना यह पुन ज़मीन यह मिल्कियत ज़मीन अस जदि पद मिल्कियत ज़मीन अस जद सुन ज़मीन यह तम बुढ़बाब सुन ज़मीन पुन ज़मीन मिल्कियत अमोश कर यमे इरिगेशन वालस कर चूट चपड़ी कर दानली कर दबा गरीबन दबा अस ना शे रेतन हूँ बत ना ना वो कहें वो कत गए अगर पगह यह द्रा नुन कि तुम यह सरबन ज़मीन कब्जो कर्म तुम आर एतराज कल त्रांस मह ना ना कह एतराज सोन कि अगर सोन ज़मीन कि गवर्नमेंट दिन से इतन वन मुआवजे बे त्रे सोन ज़मीन यल अगर सोन द्रा यहाँ कर से निशान दी यहाँ अगर सोन ज़मीन द्रा क्या त्रे से यल बे दिन से 5 वन लागत अत वही तक गैर आबाद रूद यह ज़मीन आबस तल इतन वन दिन मुआवजे सोन मामला अहन मामला। इस सर की हकीकत पोजीशन को बहाल करने के लिए मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करता हूं कि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल कुपवारा के नंबर 01955252195 पे कॉल करें और उनसे ये इल्तिमास की जाए कि इस सर की हकीकत पोजीशन को बहाल किया जाए, ताकि यहां जो किसान अपनी खेत खलिहान में मेहनत कर रहे हैं और उनको अपनी मेहनत का समर अच्छे से मिल सके। मैं हूँ पीर अजहर कुपवारा से, कश्मीर अनहर्ड के लिए।